हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज का वीडियो शुरू कर रही हूँ सुबह से। आज है शुक्रवार और मैं रखती थी शुक्रवार के व्रत, मतलब रखती हूँ। आज करूँगी उसका उद्यापन, तो वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो थोड़ा सा सामान लेके आई हूँ मार्केट से, मतलब मम्मी लेके आई हूँ सुबह फल वगैरह, तो वो आपको दिखाऊँगी। और मैं किस तरीके से करूँगी उद्यापन, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो चलिए थोड़ी सी तैयारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ले ली कटोरियाँ लेके आई हूँ कुछ बाज़ार से, और ये लाई हूँ किताबें जो कि मुझे देनी है सबको, और साथ में एक एक बिंदी का पत्ता भी दूंगी, वो भी लेके आई हूँ। और नारियल रखा जाएगा पूजा में, वो है, और कुछ फ्रूट्स हैं ये। और खीर की करूँगी तैयारी, क्योंकि मुझे खीर बनानी है व्रत में। इसमें उद्यापन में खीर ही बांटते हैं और पूजा में भी खीर ही रखते हैं, तो उसकी करूँगी तैयारी। तो काफ़ी सारी खीर बननी है, तो मम्मी अभी चावल साफ कर रही हैं। और यहाँ दूध लेके आई हैं, में 3 लीटर है अभी, और 2 लीटर और लेके आएंगी क्योंकि शायद कम पड़ेगा, तो ये फ्रिज में रखा है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ चावल भिगो दिए हैं मैंने अच्छे से वॉश करके, और मैंने ये वाली 2 कटोरी लिए हैं चावल, और क्योंकि काफ़ी सारी खीर बनेगी तो इतने चावल तो इसमें लग ही जाएंगे। और जब आप चावल को भिगो के रख देते हो ना, तो वो खीर में पकते समय जो चावल है वो जल्दी पक जाता है, खीर जल्दी बनती है, तो इसलिए इसको थोड़ा भिगो के रखेंगे आधे घंटे के लिए, और उसके बाद फिर हम खीर बनाना शुरू करेंगे। तो मैं ना चावल इसमें वॉश कर लेती हूँ, बहुत ईजी रहता है। आप टैप के नीचे इसको लगा के और खूब अच्छे से हाथ से रगड़ रगड़ के वॉश कर लीजिए, बहुत ईजीली हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मैं भी इसी तरीके से कर लेती हूँ। और ये आ गया यहाँ चोर, बेर का चोर, सारे बेर खा गया। मेरा नहाना धोना हो गया है, और मैं शाम को चाय जब पी लेती हूँ, शाम को पीती हूँ चाय जब मैं पूजा कर लेती हूँ उसके बाद, मतलब सुबह जो नहा धो के अपनी नॉर्मल जो हम डेली की पूजा करते हैं वो कर लेती हूँ, वो मैंने कर ली है, और उसके बाद में मैं चाय नहीं पीती। मैं चाय शाम को ही पीऊँगी जो मैं ये वाली पूजा करने के बाद, मतलब वैभव लक्ष्मी की पूजा करने के बाद ही चाय पीती हूँ। तो मैं यहाँ कर लूँगी खीर की तैयारी। तो मैंने ये पैकेट्स दूध के जो थे इनको काट के और छान के मैं डालूँगी इसमें। वैसे तो ये छानने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं छान के ही डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 पैकेट डाल दिए हैं, मतलब 3 लीटर दूध ले लिया है, और बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में डाल लेंगे। तो ये मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और इसको चला लेंगे, और चावल भी मैं साथ में ही डाल दूँगी। तो चावल ना दूध में ही पकते रहेंगे, उबलते रहेंगे और अच्छे से गल जाएंगे और जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि मैंने ये भिगो दिए थे आधे घंटे के लिए चावल। तो इसको चलाते रहें रेगुलर, क्योंकि अगर चावल नीचे लग जाएंगे तो जो खीर है ना उसमें बहुत एक स्मेल हो जाएगी, और वो किसी चीज़ से नहीं जाती, दूध की स्मेल, दूध के जले की स्मेल। तो इसको चलाती रहूँगी। और यहाँ मैंने किशमिश भिगो दी है 1 कटोरी में, और थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स काट लिए हैं इसमें डालने के लिए। और मैं यहीं खड़ी रही तो क्योंकि इसको रेगुलर चलाते रहना था। एक बार उबाल आने तक तो हमें इसे रेगुलर चलाना ही पड़ेगा, और उबाल आने के बाद इतना टाइम लगेगा नहीं इसमें। तो यहाँ मैंने गैस कर रखी है, अब कम कर दी है थोड़ी सी,
देखिए बॉयल तो आ गया इसमें, तो थोड़ी सी कम करके इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। उबलते रहेंगे लेकिन चलाते रहेंगे बीच बीच में इसमें। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ सिर्फ बादाम डाले हैं और किशमिश डाली है। आप चाहें तो इसमें काजू या अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और क्योंकि वैभव लक्ष्मी के व्रत में ना खीर का ही भोग लगता है, मतलब सफ़ेद चीज़ का भोग लगता है, तो खीर ही बना लेते हैं हम लोग डेली। जो हम रखते थे फास्टर में रखती थी उसमें तो मैं कोई भी वाइट चीज़ ले लेती थी या कोई मिठाई ले लेती थी या कुछ भी, लेकिन अब उद्यापन करना है तो इसमें खीर ही बनानी होती है। तो देखिए ऑलमोस्ट बन गई है खीर, कम बहुत अच्छे से गाढ़ी हो गई है। और एक लीटर दूध मैंने इसमें बाद में डाला था क्योंकि इसमें ना चावल ज़्यादा थे और दूध कम लग रहा था मुझे। तो यहाँ पे पूजा की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने एक पटड़ा रख दिया है और इसके ऊपर मैं ये इस तरह का लाल कपड़ा जो है मंदिर का वो मैं इस पर बिछा लूँगी। और उसके बाद में मैं यहाँ लक्ष्मी जी की मूर्ति रख दूँगी। और ये है श्री यंत्र जो कि लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होते हैं। और यहाँ पे मैंने एक नारियल लिया है जो कि पूजा में काम आएगा। और ये चावल हैं तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ये चावल का छोटा सा ढेर कर दूँगी, मतलब रख दूँगी। और इसको फ्लैट करके इसके ऊपर मुझे रखना है अपना जो लोटा है पानी का वो। और ये है खीर जो कि मैंने बनाई थी, उसमें एक कटोरी निकाल दी मैंने भोग के लिए, उसको मैं यहाँ रख दूँगी। और बाकी जो मुझे देनी है 11, मतलब जितने की आप मन्नत मांगते हो, जितने शुक्रवार आप व्रत रखते हो उतनी आपको बांटनी होती है। तो मैंने यहाँ 11 बोली थी, तो मैंने यहाँ 11 कटोरियाँ भर के रख ली हैं खीर की जो कि देनी है मुझे, बांटनी है। और ये हैं केले जो कि एक एक मुझे केला भी देना है सबको। और उसके बाद में जो मैं किताबें लेके आई थी वैभव लक्ष्मी जी की वो ले ली हैं, और जो बिंदी के पत्ते हैं वो, तो ये सब अरेंज करके इनको तब मैं बांटूंगी। और ये मैंने लोटा ले लिया है, ये चावल के जो मैंने चावल रखे थे वहाँ पे रख दिया इसके ऊपर। और उसके बाद मैं एक खाली कटोरी रखूँगी इस लोटे के ऊपर में। और इसका लोटे पे थोड़े से मैं सतिया कर दूंगी कुमकुम से। और ये जो कटोरी ऊपर खाली कटोरी रखी है इसमें आप कोई भी सोने का गहना रख सकते हो। मैंने अपनी अंगूठी है गंगा जल में धो ली थी, इसको रख देती हूँ। आप अगर सोने का ना हो तो चांदी का भी रख सकते हो, नहीं तो आप कोई भी सिक्का पैसे रख सकते हो। और यहाँ मैंने ले ली है हल्दी, चावल और कुमकुम। और ये है गुलाब के फूल जो कि लक्ष्मी माता को बहुत पसंद होते हैं, यही चढ़ते हैं इन पे। तो अब मैं जोत जला लूँगी यहाँ पे और धूप जला के रख लूँगी। और उसके बाद में मैं शुरू करूँगी पूजा करनी। तो यहाँ पे मेरी ये वैभव लक्ष्मी की किताब है जिससे मैं व्रत किया करती थी, जिसको पढ़ के। तो जो ऊपर की तरफ वैभव लक्ष्मी माता की तस्वीर बनी हुई है, पहले उसको मैं टीका करूँगी कुमकुम से। और जो हमने सामने मूर्ति रखी है उस पर भी हम ऐसे ही टीका करेंगे। और जो हमने श्रीयंत्र रखा था उनको भी टीका करेंगे। और ऐसे ही हल्दी का और चावल भी, हल्दी भी लगाएंगे और चावल भी लगाएंगे। तो इस तरीके से। और उसके बाद में मैं ये गुलाब के जो फूल हैं ये चढ़ा दूँगी। और उसके बाद में हमने किताब लेनी है वैभव लक्ष्मी की। और इसमें अंदर की तरफ भी एक ऐसी तस्वीर बनी हुई है वैभव लक्ष्मी, धन्य लक्ष्मी माता की, उसको भी आप तिलक कर दीजिए। और जब आप सबसे पीछे देखेंगे तो श्री यंत्र की एक फ़ोटो बनी हुई है, उसको भी आपको तिलक करना है। और उसके अंदर भी एक बनी हुई है श्री यंत्र की ही फ़ोटो, उसको भी आपको तिलक करना है और प्रणाम करना है। तो सबसे पहले ये मतलब इनको प्रणाम करना है, उसके बाद आपको अपनी विधि शुरू करनी है।
तो यहाँ पे थोड़ा अंदर दो पेज अंदर आप खोलेंगे तो यहाँ पे लक्ष्मी माता की जो 8 स्वरूप हैं उनके तस्वीर दी हुई है, उनको सबको आपको तिलक कर लीजिए और उनको प्रणाम करते जाइए। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, तो जैसे मैं करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके यहाँ कुछ अलग होता हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ सबको तिलक करके और प्रणाम कर लूँगी मैं। तो ये सारी जो 8 इसमें तस्वीरें दी हुई हैं ये लक्ष्मी माता के ही स्वरूप है अलग अलग। तो ये होने के बाद में फिर सबसे शुरू में लक्ष्मी सत्वंत का पाठ दिया हुआ है तो वो आपको पढ़ना है और साथ में ही गहने की पूजा करनी है। तो अब मैं ये पढ़ना शुरू करूँगी और साथ साथ में ही गहने पे हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाती जाऊँगी इसको पढ़ते समय। तो ये पढ़ते जाएंगे और ये हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाते जाएंगे, जो हमने गहना रखा था, जो मैंने अपनी अंगूठी रखी थी वहाँ पे उस कटोरी में उस पे, और ये एक गुलाब का फूल भी चढ़ाएंगे। उसके बाद में आप थोड़ा सा अंदर किताब खोलेंगे तो आपको कहानी जो है वो शुरू हो जाएगी वैभव लक्ष्मी की, तो वो पढ़नी है तो वो मैं पढ़ लूँगी यहाँ पे। नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है, सब अपने अपने काम में रख रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है, घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं। तो इस कहानी में माँ के चमत्कार के बारे में बताया गया है। तो वैसे तो इसमें काफ़ी सारी कहानियाँ हैं लेकिन जो एक मेन कहानी है वो हमें पढ़नी होती है। तो ये कहानी कंप्लीट होने के बाद सबसे लास्ट में इसमें आरती दी हुई है लक्ष्मी माता की, वो करनी होती है हमें आरती। तो यहाँ पे मैं आरती करती जाऊँ कर लूँगी, क्योंकि किसी भी पूजा के का जब हम समापन करते हैं तो आरती से ही करते हैं। तो यहाँ पे आरती कर लूँगी मैं लक्ष्मी माता की। और उसके बाद आरती ख़त्म होने के बाद में आपको ना 11 बार जय माँ लक्ष्मी ऐसे बोलना होता है, हाथ जोड़ के उनका ध्यान करके। और यहाँ पे ना एक दो मंत्र भी दिए हुए हैं जो कि ऑप्शनल हैं लेकिन मैं इनको भी पढ़ती हूँ ज़रूर, तो अगर आप भी चाहो तो पढ़ सकते हो। और उसके बाद में 11 बार आपको जय माँ लक्ष्मी करना है और ध्यान करना है माता का, और आप पूजा करनी है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए हमारे व्रत में या उद्यापन में तो आप उसको क्षमा करें। तो यहाँ मेरी पूजा तो संपन्न हो गई थी और इस जल को मैं दे दूँगी पौधों में, और जो चावल है इसके नीचे उसको मैं पक्षियों को डाल दूँगी। उसके बाद में मैं तैयारी करूँगी जो मुझे प्रसाद बांटना है उसकी। तो यहाँ मुझे नारियल फोड़ना था और नारियल क्योंकि स्त्रियाँ नहीं फोड़ती हैं, पुरुष ही फोड़ते हैं, तो यहाँ मेरे हस्बैंड थे उन्होंने ये नारियल फोड़ के और ये पानी निकाल दिया। और उसके बाद में मैं जो ये नारियल है उसमें से कुछ टुकड़े करके वो फिर मुझे प्रसाद में रखने हैं जो कि मैं दूँगी सबको। तो ये नारियल यहाँ हो गया है और उसके बाद में मैं इनको अरेंज करूँगी इस तरीके से। तो मैंने ये जो कटोरियाँ रखी हैं, एक एक किताब मैंने जो तिलक करके रखी थी
हाँ, इनको मुझे तिलक करना है। सारी किताबों को मैं तिलक कर दूंगी पहले, माँ लक्ष्मी की जो ऊपर तस्वीर दी हुई है उसको। तो ये करने के बाद में मैं कटोरी के नीचे एक एक किताब रख दूंगी और एक केला, एक बिंदी का पत्ता। इस तरीके से मैं सारी अरेंज कर लूँगी। और जो मैंने नारियल फोड़ा था उसमें से एक एक पीस मैं इसमें इनमें रख दूँगी साथ में। और इस तरीके से मैं देके आऊँगी सब लेडीज़ को। कुछ लोग घर में बुला के भी देते हैं, लेकिन मैं वहीं दे आती हूँ, उनके घर पे जा के दे आती हूँ। तो ये नारियल भी मैंने रख लिए हैं इस तरीके से। तो ये देखिए, ये इस तरीके से एक सेट हो जाएगा जो कि मुझे देना है प्रसाद का। तो इसमें खीर की कटोरी है, केला, पुस्तक है और नारियल है और बिंदी का पत्ता है। तो ये मैं दे दूंगी। और जो मैंने भोग के लिए लगी खीर रखी थी उसको मैं उस खीर में मिला दूंगी जो कि सब लोग घर में खाएंगे। और इस तरीके से मेरी पूजा हो गई संपन्न। यहाँ पे मेरा उद्यापन हो गया है बहुत अच्छे तरीके से माता रानी की कृपा से। तो आप लोग भी आ जाइए और भोग लगा लीजिए, खीर का प्रसाद ले लीजिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।